सो हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोग का एमजी गेमर्स के एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हमारे फ्री फायर गेम से जुड़े हुए काफी ढेर सारे ओपी वाले इवेंट और अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले अपनी इस वीडियो के अंदर 15 अगस्त यानी दोस्तों इंडिपेंडेंस डे इवेंट के बारे में, क्योंकि दोस्तों फाइनली जो इसका इवेंट है ना वो कन्फर्म हो चुका है। जो हमारा फ्री फायर का एडवांस रोल आया हुआ था इस बार के ओपी अपडेट का, उसके अंदर हम लोगों को कुछ टोकन देखने को जो कि यार कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था। तो उन टोकन के बेसिस पर दोस्तों यहां पर कंफर्मेशन निकल के आ रही है हमारे 15 अगस्त के इवेंट की। एंड सही साथ दोस्तों, इस बार का जो 15 अगस्त का इवेंट है वो इवेंट के दौरान आप लोगों को कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेगा वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे इस आने वाले ओबी अपडेट के बाद जो कुछ नए नए चेंजेस आने वाले हैं, कैरेक्टर के ऊपर जो रिवर्क हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसे अपकमिंग इवेंट और अपडेट जो कि यार कंफर्म हो चुके हैं वो सब कुछ मैं आप लोग शेयर कर दूंगा। तो चलिए यार छोटी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यार फ्री फायर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहे और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे यार मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए यार फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आए हुए एक इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी पुरानी रैम्पेज की हाइपर बुक थी वो यहाँ पर रिटर्न बैक हम लोगों को देखने को मिली हुई है हमारे गेम के अंदर। इसके जितने भी आइटम्स थे वो रिटर्न बैक आए हुए, हाइपर बुक भी आई हुई है। तो ये क्यों हुआ है और किस रीजन से हुए उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भैया जो इस बार का हमारा ओबी अपडेट आने वाला है जो कि लगभग 10 अगस्त के आसपास आने वाला है, वो जो हमारा ओबी अपडेट का थीम रहने वाला है वो हमारा रैम्पेज इवेंट के थीम पर बेस्ड रहने वाला है। एंड जो हमारा इस बार का नया रैम्पेज आएगा उसके अंदर हम लोग को नई रैम्पेज की हाइपर बुक देखने मिलेगी जो कि कुछ इस टाइप की रहने वाली है। इसी वजह से दोस्तों यार आप लोगों को गेम के अंदर पुरानी वाली जो रैम्पेज की हाइपर बुक थी रिटर्न बैक देखने को मिली हुई है। तो अगर आप लोगों को निकालना हो तो नई वाली भी निकाल सकते हो, पुरानी वाली भी निकाल सकते हो, बाकी यार आप लोग का जो भी मन हो वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यार डेंसो वाले इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डेंसो रिंग इवेंट एक बिल्कुल ही नया इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों यार आप लोग को ये वाले कॉस्ट्यूम एंड आइटम देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये वाला जो इवेंट है दोस्तों इंडिया, बांग्लादेश एंड हमारे सिंगापुर सर्वर के अंदर आने वाला है। इसकी कन्फर्म डेट के बारे में बात करी भैया, तो जो कन्फर्म डेट निकल के आई हुई है वो 31 जुलाई की निकल के आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली इस 31 तारीख को हम लोग को हमारे गेम के अंदर ये डेंसो रिंग का इवेंट देखने मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को ये कॉस्ट्यूम इसके अलावा और जो सारे के सारे आइटम्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये सारे आइटम्स नहीं निकाले हैं या फिर अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं निकालने हैं तो आप लोग इसके अंदर स्पिन वगैरह कर सकते हो। बाकी के दोस्तों यार रैम्पेज वाला जो मैं आप लोगों को बता रहा था उसमें तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भैया जो हमारी प्रेजेंट टाइम में रैम्पेज की बुक आई हुई है उसको मत निकालना, जो नई वाली रैम्पेज बुक आएगी उसको निकालना, क्योंकि यार उसके अंदर नए आइटम्स रहेंगे, नए रिवॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ कॉस्ट्यूम के रिटर्न बैक के बारे में। तो भैया यहाँ पर जो हमारा रोग एफएफ वाला कॉस्ट्यूम था ये यहाँ पर कुछ सर्वर के अंदर वापस देखने को मिला हुआ है, जो कि यार कुछ इस टाइप के रिंग वाले इवेंट के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कॉस्ट्यूम नहीं निकाला है या अगर आप लोगों को ये वाला कॉस्ट्यूम पसंद है दोस्तों तो आप लोग इसको निकाल सकते हो वापस से, जिन भी सर्वर में नहीं आया हुआ है उन सर्वर के अंदर आप लोगों को ये कॉस्ट्यूम जो है देखने को मिलेगा, लेकिन भैया ये आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा हमारे ओबी अपडेट के बाद ही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 हफ्ता बचा हुआ है, 2 हफ्ते बाद हमारा ओबी का अपडेट आने वाला है लगभग 10 अगस्त के आसपास। तो आप लोगों को ये सारे जो इवेंट्स हैं हमारे गेम के अंदर एक एक करके देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों एक मोको स्टोर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भैया ग्लूवॉल स्पेशल मोको स्टोर रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को ये बिल्कुल ही नई ग्रीन कलर की ग्लूवॉल की स्किन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और जो हमारी पुरानी अच्छी रेयर ग्लूवॉल की स्किन है ये सारी की सारी ग्लूवॉल की स्किन देखने को मिल जा रही है। एंड बोनस प्राइज के अंदर आप लोग को परांग की स्किन देखने को मिल जा रही है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के जो परांग की स्किन थी वो अवेलेबल कराई जानी है। तो ये वाला जो मोको स्टोर है ये आप लोग को 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस बने हुए हैं, बताया जा रहे हैं डाटा माइनर्स की तरफ से, कि आप लोग को ओबी अपडेट के पहले ही ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक यहाँ पर हमारा देख सकते हो टोकन टावर भी हम लोग को देखने को मिला है, जो कि यार इस वाले कॉस्ट्यूम का है, ये फीमेल का कॉस्ट्यूम आप लोग को इस टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग सिंपली स्पिन करके टोकन को कलेक्ट करोगे एंड उस टोकन को एक्सचेंज करके जो रिवॉर्ड है उसको क्लेम कर पाओगे, ठीक है। बाकी का दोस्त यार आप लोग को ये कैसा लगा कॉस्ट्यूम मुझे बताना, एंड ये फेस्ट की स्किन भी इसके अंदर दी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। तो मेरे ख्याल से यार इन टोकन टावर वाले इवेंट्स के अंदर स्पिन वगैरह करना मेरे ख्याल से कोई भी मतलब नहीं बनता है, फालतू के डायमंड वेस्ट करना, जो अच्छे एंड जो जेन्यून आइटम्स हो उन्हीं को आप लोग निकालिए। बाकी यार मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग फालतू के आइटम या फिर फालतू के पैसे गेम में वेस्ट करो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हमारे कैरेक्टर रिवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस ओबी अपडेट के बाद काफी ढेर सारे कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस आने वाले, काफी ढेर सारे कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया जाने वाला है। जहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो सबसे नंबर 1 पे हमारा एंटोनियो कैरेक्टर रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को खास चीजें देखने को मिल जाएंगी एंड बहुत कुछ इसके अंदर चेंजेस भी होने वाला है, जो कि यार आप लोग को कुछ HP वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, चलिए मैं आप लोग को एक एक करके
सारे कैरेक्टर दिखा देता हूँ। बाकी यार जो भी अपडेट या फिर चेंजेस हैं वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हो। दूसरा हमारा नैरी कैरेक्टर है जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ये भी आप लोगों को कुछ ना कुछ एवरी टाइम एनर्जी या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें देने वाला है जो कि यार आप लोगों को गेम के प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मेनली गाइज यार हमारा जो नैरी कैरेक्टर रहने वाला है ये हमारे ग्रोअल के ऊपर वर्क करने वाला है, हमारे ग्रोअल की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो यहाँ पर बढ़ा देने वाला है हमारे इस नैरी कैरेक्टर को अगर आप लोग यूज करने वाले हो तो। इसी तरीके काफ़ी ढेर सारे और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिवर्क किया गया है, उनकी जो एबिलिटी है उनके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज़ किया गया है जिससे यार उनको गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा सके प्लेयर्स को। क्योंकि यार हमारे गेम के अंदर काफ़ी ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर्स हो गए ना जिनको कोई भी प्लेयर यूज ही नहीं करता, उनका कोई यूज ही नहीं समझता है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यार इन सारे कैरेक्टर्स को यूज ही नहीं करते। मैं खुद ही इन सारे कैरेक्टर्स को यूज ही नहीं करता हूँ, बस एक ही कैरेक्टर रहेगा उसी पर हम लोग स्किल वगैरह जो है चेंज कर करके लगाते रहते हैं, वो भी हमारी जो कुछ कॉमन सी स्किल्स रहती है वही यूज करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग बेसिकली कौन सा कैरेक्टर लेते हो एंड कैरेक्टर के साथ कौन सी स्किल आप लोग यहाँ पर यूज करके प्ले कर दो। बाकी के दोस्त यार इन सारे कैरेक्टर्स का यूज करके यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ वगैरह भी मिलने वाली है जो कि यार कुछ ब्लू टाइप की हेल्थ वगैरह रहने वाली है, आप लोग यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो अगर आप लोग डीजे वाले कैरेक्टर को यहाँ पर एक्टिवेट करने वाले हो। तो ये सारे जो चेंजेस रहने वाले हैं ना ये आप लोग को सारे के सारे चेंजेस दोस्तों यार आने वाले इस ओबी अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले हैं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों यार आप लोगों को कैरेक्टर के साथ साथ गन्स के ऊपर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, गन्स की जो हमारी एट्रीब्यूट्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, किसी के प्लस होंगे किसी के माइनस होंगे, तो क्या कुछ होगा वो आप लोगों को बहुत जल्दी मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर रखना है जिससे यार हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो श्रीनिव वाला कैरेक्टर है ये भी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर भी चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि हमारे डैमेज से रिलेटेड है, ये डैमेज वगैरह के अंदर कुछ मतलब ये डैमेज वगैरह बढ़ाएगा या फिर कम ज़्यादा करेगा ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यार आप लोग आने वाले ओबी अपडेट के बाद चेकआउट कर पाओगे। मैंने आप लोगों को कैरेक्टर हाईलाइट कर दिया कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। बाकी दोस्त यार हमारे इंडिपेंडेंस डे इवेंट के बारे में बात करें तो भैया यही वो टोकन है जो कि यार मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में एंड इस वीडियो में भी दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला जो टोकन है इससे कन्फर्म हो रहा है कि हमारा 15 अगस्त का इवेंट आएगा। एंड ये वाला जो आप लोग मेल का यहाँ पर कॉस्ट्यूम देख रहे हो क्रिकेट वाला, ये कॉस्ट्यूम बताया जा रहा है कि इस बार आप लोग को 15 अगस्त वाले रिवॉर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है, चांसेस बन रहे हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है भैया कि ओबी का अपडेट आ रहा है तो क्या पता कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम हमारे 15 अगस्त के लिए डिज़ाइन किया गया हो हमारे इस ओबी अपडेट के अंदर, तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा 10 अगस्त के बाद, 15 अगस्त आने के पहले पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। बाकी यार मैं एक चीज़ यहाँ पर 100% कन्फर्म श्योर हूँ कि आप लोगों को इस बार इंडेस्ट के अंदर 15 अगस्त का इवेंट यानी इंडिपेंडेंस डे का इवेंट जरूर से देखने को मिलेगा क्योंकि भैया उसका टोकन जो है हम लोग हमारे गेम के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि 100% कन्फर्म है। 76 करके जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे का टोकन था जो कि मैंने अभी आगे ही आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाया एंड कल की वीडियो में भी दिखाया था, तो आप लोग इतना कन्फर्म मान के चलो कि इस बार का 15 अगस्त का इवेंट आने वाला है, आप लोग एक्साइटेड हो जाओ। बाकी दोस्त यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर करिएगा।